हेलो फ्रेंड, सॉरी लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा आज आपको उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, सबके बारे में बता दिया है। और जैसा कि मैंने बताया है कि शब्द क्या होता है, उसके पहले वर्ड बताया है। तो वर्ण, यदि आप जब तक वर्ण नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको शब्द नहीं समझ में आएगा, और जब तक आप शब्द को पूरी तरीके से डिटेल में नहीं जानेंगे आज का ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको आज का जो है वीडियो उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है इसको पढ़ने से पहले आपको मेरा जो फर्स्ट वाला वीडियो है वो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, वो जो आपके लिए हितकर होगा। खैर, मैं बता देती हूँ आपको। शब्द जो होता है, अक्षर अथवा अक्षरों के सार्थक रूप को हम शब्द कहते हैं, या वर्ड अथवा वर्णों के जो सार्थक ध्वनि है उसे हम शब्द कहते हैं। और इसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है आपका सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का जो है वो भेद, उसको पांच भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका था रचना के आधार पर, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्री शब्द रूप के आधार पर, और पांचवा आपका है विकार या प्रयोग के आधार पर, जिसमें मैंने आपको रचना के आधार पर वर्ग शब्द के कितने भेद होते हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें आपका लगभग में तीन भेद होते हैं, जिसमें था रूढ़ी शब्द, योग रूढ़ी शब्द और यौगिक शब्द, जिसको हम लोग पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज का आपका जो दूसरा भेद है वो है आपका उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। तो जो है उत्पत्ति या बनावट के अनुसार शब्द, ये आपका दूसरा भेद है, और वो भी दूसरा भेद है आपका शब्द का जो सार्थक रूप होता है उसका, जो पांच प्रकार है पांचवें में से दूसरा, यानी कि पहला था रचना के आधार पर और दूसरा है आपका ये उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तो उत्पत्ति या बनावट के अनुसार जो शब्द होते हैं उसके कुल मिलाकर पांच भेद होते हैं। वो पांचों भेद कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, आगत या विदेशी शब्द और संकर शब्द। यानी कि उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द को पांच भागों में बांटा गया है, या इसके पांच भेद हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत और पांचवा आपका संकर है। तो क्या होता है आपका तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, ये आगत क्या है, संकर क्या है, इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो तत्सम शब्द सबसे पहला जो आपका है ये आपका है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द तत् और सम दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं तत्सम, ये तत् और सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि इसका पूरा अर्थ होगा कि अर्थात हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी संस्कृत के समान बने रहे हैं, ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। या अगर आसानी से या सामान्य भाषा में बोलें तो तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में आने के बाद भी वो अपना रूप बदले नहीं, बल्कि संस्कृत के समान ही बने हुए हैं हिंदी में भी। तो वो शब्द आपके कौन कौन से हैं? जैसे आपका बालक, बालक ये आपका संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में भी आपका ये बालक ही है। राजा, प्रजा, पुस्तक, पुष्प इत्यादि, ये जो शब्द हैं ये आपका तत्सम शब्द है। यानी कि तत्सम शब्द तो हमने इस परिभाषा में देख लिया कि तत्सम शब्द का अर्थ ही होता है कि तत् का अर्थ उसके और सम का अर्थ है समान, यानी कि जो संस्कृत के समान अभी भी है हिंदी में आने के बाद भी, ये आपका उदाहरण रहा। और दूसरा आपका जो है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का क्या अर्थ होता है? तो तद्भव का जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तद् और भव। तद् का अर्थ होता है इस प्रकार से और भव का अर्थ होता है हो गया, यानी कि हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो बाद में अपना रूप बदल दिए, अर्थात जो संस्कृत से निकलकर
कि हिंदी में संस्कृत के समान नहीं प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी कि तद्भव शब्द जो है आपका वो संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन हिंदी में आने के बाद वो अपना रूप परिवर्तित कर दिया, यानी कि उसका रूप परिवर्तित हो गया और वो अब जो संस्कृत के समान नहीं रह गया। या यूँ आपने देखा कि संस्कृत के जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में संस्कृत के समान नहीं प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों को हम ये तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपका है ये भाई, भाई, बहन, नाक, कान, बैल इत्यादि, ये शब्द आपका जो है तद्भव शब्द है। यानी कि ये जो भाई शब्द है ये आपका संस्कृत से ही निकल कर आया है, लेकिन इसका रूप बिगड़ गया है, यानी कि ये हिंदी में जो है इसको भाई कह गया। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि तत्सव भाई का क्या होता है, भातृ होता है, उसी तरीके से ये जो है आपका भाई शब्द यहाँ पे तत्सम न होकर के ये तद्भव है। ये बहन, नाक, कान, बैल इत्यादि ये शब्द आपके जो हैं ये तद्भव शब्द हैं। अगला है, या इसको एक बार में आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत के तो हैं या संस्कृत के समान थे, लेकिन हिंदी में आने पर जो वो संस्कृत के समान प्रयोग नहीं हो रहे हैं और उनका रूप परिवर्तित हो गया है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। जैसे कि भाई, बहन, नाक, कान, बैल इत्यादि। अगला जो है आपका, ये है आपका देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है जो देशी है, या जिसका अर्थ हम कह सकते हैं देशज शब्द भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, देश और दूसरा है आपका ज, यानी कि देश का अर्थ यहाँ पर हुआ देश का यानी कि गांव, और ज का अर्थ होता है पैदा होने वाला, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा कि ये क्या होता है, अर्थात गाँव से पैदा होने वाले, गांव से पैदा होने वाले वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जो गांव से पैदा होकर गांव तक ही सीमित रह जाते हैं, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। यानी कि देशज शब्द वे होते हैं जो गांव से ही, उस गांव में ही उनकी उत्पत्ति होती है और वो गांव तक ही सीमित रह जाते हैं, आप उसे किसी कहीं और प्रयोग में नहीं लाते, नगर में या किसी और देश में या अन्य जगहों पर आप उसे प्रयोग में नहीं लाते, वो शब्द सिर्फ जो है गांव में ही उत्पन्न होता है या गांव में ही पैदा होता है और गांव तक ही सिमट कर रह जाता है, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे लोटा, लोटा शब्द भी, लोटा शब्द आपका जो है ये देशज शब्द है, ये अन्य जगहों पर या किसी अदर दूसरे देश में हम लोटा लोटा नहीं कहते, या नगर वगैरह में चले जाइए वहाँ भी कोई लोटा नहीं कहता, तो ये आपका लोटा जो है, लोटा शब्द ये आपका देशज शब्द है। लोटा यानी कि जो पात्र है पानी पीने का, उसी तरीके से खिड़की, छपाक छपाक, छपाक छपाक, छपाक छपाक से गिर जाना, बारिश हुई और छपाक छपाक से गिर गए, तो ये छपाक छपाक जो शब्द है ये भी आपका देशज शब्द है। या ये जो हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा शब्द ये प्रयोग होता है आपका, भौकाल मारना, यानी कि भौकाल मारना ये ज़्यादातर कहें तो यूपी का ही शब्द है, और ये हमारा जो है ये देशज शब्द है, ये गांव में ही ज़्यादातर प्रयोग में आता है, या यूँ कहें कि यूपी में ही ज़्यादातर प्रयोग में आता है, लोग प्रयोग करते हैं अपनी आम भाषा में, तो ये आपका देशज शब्द है। उसी तरीके से ये, यानी कि आपने इसमें जो भी देखा देशज शब्द है, ये सब लगभग में गांव से ही उत्पत्ति हुई है या एक सिमटे हुए एरिया में इसकी उत्पत्ति होती है और वहीं तक ये सिमटा हुआ रह जाता है, उससे ज़्यादा इसका प्रयोग अन्य जगह पर नहीं किया जाता है। तो यानी कि जो गांव में ही पैदा हो और गांव से ही में ही सिमट कर रह जाए वो शब्द आपका देशज शब्द कहा जाता है। अगला है आपका आगत या विदेशी शब्द। आगत या विदेशी शब्द, आगत का मतलब है कि जो आया हुआ है, या विदेशी शब्द जो विदेशी है यानी कि जो हमारे देश का नहीं है, वो कहीं और से आया हुआ है, किसी और देश से आया हुआ है, ऐसा शब्द जो होता है वो आपका आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। वैसे परिभाषा देख लेते हैं, हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर, ये जो होता है आपका विदेशी शब्द, वे
शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे उन्हें आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आगत या विदेशी शब्द वो होता है जो क्या है, आगत मतलब आया हुआ है, या कहाँ से, हमारे देश का नहीं, हो अन्य बाहरी देश से आया हुआ है, या विदेशी अन्य किसी देश से आया हुआ है जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आगत या विदेशी शब्द। जैसे कि अलमारी, अलमारी, बस, ट्रेन, लालटेन, बोतल, इलाज, बेगम इत्यादि। ये अलमारी जो है हमारा, ये अलमीरा से बना है, अलमीरा ये अंग्रेजी का शब्द है। उसी तरीके से बस, ट्रेन, ट्रेन भी आपका जो है ये अंग्रेजी का शब्द है। लालटेन, लैंटर्न से बना हुआ है। बोतल, बॉटल, ये इलाज, और बेगम ये जो है आपका तुर्की और अरबी शब्द है। तो ये सब जो हमारे शब्द हैं ये हमारा हिंदी का नहीं है, बल्कि अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी में हम उसको इस्तेमाल करने लग रहे हैं या प्रयोग करने लगे हैं। तो ये रहा आपका विदेशी या आगत शब्द। अगला है आपका जो पांचवा है वो है आपका शब्द का प्रकार या उत्पत्ति या बनावट के आधार पर संकर शब्द। संकर शब्द का अर्थ होता है वह शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर, वह शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, ऐसे शब्दों को संकर या मिश्रित शब्द कहा जाता है। ये बिल्कुल जानी मानी बात है। संकर यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बना है वो आपका संकर शब्द कहा गया है। जैसे कि उदाहरण है आपका मोटर गाड़ी, बस यात्री, रेलगाड़ी, सिनेमाघर। इसमें जो आप देख रहे हैं ये मोटर, जो मोटर है ये अलग भाषा है और गाड़ी जो है ये आपका अलग भाषा है। मोटर आपका अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया और हिंदी आपका गाड़ी, उसी तरीके से बस अंग्रेजी भाषा का है और यात्री जो है गाड़ी, जो यात्री है ये अलग भाषा का है। रेल भी आपका अंग्रेजी भाषा का है, यात्री हिंदी भाषा। उसी तरीके से सिनेमा, सिनेमा आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया और जो घर है वो हिंदी भाषा का लिया गया है। यानी कि संकर शब्द में दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के शब्द की रचना होती है। अब अगला आपका जो है ये शब्द यानी कि सार्थक, जो सार्थक शब्द के जो सार्थक रूप है उसका अगला जो भेद है यानी कि तीसरा भेद है वो है आपका अर्थ के अनुसार शब्द के भेद, या अर्थ के अनुसार शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो अर्थ के अनुसार शब्द को कुल मिलाकर चार भागों में बांटा गया है और वो है आपका पर्यायवाची शब्द, समुच्चारित शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, जिसमें से मैंने एकाध आपको बता दिया है। पर्यायवाची के लिए सिर्फ मैंने एक वीडियो दिया है और विलोम शब्द, अगर आपको विलोम शब्द पढ़ना हो तो वो मैंने अपने वीडियो में ARO वालों में पढ़ा दिया है, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो समुच्चारी शब्द है, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची, इन तीनों को मैं अपने अगले वीडियो में यानी कि इसके जब आपका सिलेबस में आपके बिल्कुल दिया हुआ है ये पढ़ाने के लिए, तो उसको मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी। और जो इसके बाद अभी तो बहुत सा बचा हुआ है अर्थ के अनुसार, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने जो ये अर्थ के अनुसार शब्द को जो भेद हैं उसको डिटेल में बताऊंगी। अभी बहुत सा 3-4-5 भेद हैं तो उसको बिल्कुल मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगी। तो इसलिए आप मुझे कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़, मैंने अपने जो वीडियो है, जो भी वीडियो है अब तक के, सबको अपने टेलीग्राम ग्रुप में या PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप मेरे जो सॉरी लर्निंग पॉइंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और PDF को प्राप्त कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।